जय हिंद साथियों, सभी को राम राम, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम ट्रांसलेशन आपको सिखाएंगे, बिल्कुल लाइव फॉर्मेट में सीखना, बिल्कुल बारीकी से सिखाएंगे, एकदम जीरो लेवल से ट्रांसलेशन सीखोगे। जो भी आप जिस भी बोर्ड से होगे, ट्रांसलेशन पढ़ाए जाते होंगे आपको। हर एक ऐसा कोई सब बोर्ड नहीं है भारत में, ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं जहाँ पे ट्रांसलेशन ना आता हो। या तो बिहार बोर्ड हो, या तो झारखंड बोर्ड हो, या तो एमपी हो, कोई भी बोर्ड हो, दुनिया के कोई सा भी बोर्ड हो, दुनिया नहीं इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में कोई भी बोर्ड हो, वहां पे ट्रांसलेशन जरूर आता है। हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना, पहली बात ये हो गई। ट्रांसलेशन दूसरी जगह कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, वहां पे आपको इंग्लिश से हिंदी करने में आपको दिक्कत होती है, तब भी आपको ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। क्या पढ़ते साथियों? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये तो मतलब ये नहीं होता हिंदी से ही इंग्लिश, नहीं, इंग्लिश से भी हिंदी होता है, हिंदी से भी इंग्लिश होता है। हम दोनों फॉर्मेट को, दोनों तरीके के, दोनों वे को हम कवर करके चलेंगे। पहले हम आपके सामने ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बुक है उसके हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। कौन सा साथियों? ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके फॉर्मेट पे चले। तो पहला हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इच, एम एंड आर। हम लोग सीखेंगे क्या चीज साथियों? यूज ऑफ इच, एम एंड आर। बच्चे का डिमांड था, बहुत सारे बच्चे इसमें उलझे हुए रहते हैं, उनकी सोल्यूशन चाहिए, तो मैं सारे चीज कराऊंगा। चलो, यूज ऑफ एम इच या आर, यही तो हेडिंग होता है ना आपका, यूज ऑफ एम इज आर। बताओ कितने बच्चों ये चीज पढ़ा हुआ है, कितने ऐसे महारथी है जो ये चीज को जानते भी नहीं है? कितने महारथी है जो इस चीज को जानते भी नहीं है कि यूज ऑफ एम इज एंड आर कुछ होता भी है? बताओ, सभी बता दो। बहुत खूब, बहुत। चलो, यूज ऑफ इज एम आर को कैसे यूज करते हो, डिफाइन कैसे करोगे, मुझे बताओ। ये आप ही का देन था कि सैलरी से फोन लिया गया? ठीक है, बताओ कितने की है फोन? ज्यादा की नहीं है भाई, यही 15 के आसपास की होगी, 6 GB रैम है। चलो, बहुत खूब। बताओ यूज ऑफ इज, सॉरी एम इज आर का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? बहुत जगह करते हैं, बट हम बुक के हिसाब से चलेंगे। करते तो बहुत जगह है, पैसिव वॉइस में भी करते हैं, और नरेशन में भी करते हैं, बहुत ऐसे केसेस होते हैं, यूज ऑफ एबल टू वाला में भी करते हैं, हैव, मतलब बहुत सारे इसके यूजेज है। बट हम लोग अभी शुरुआत सीखेंगे, छोटा छोटा फॉर्मेट देखेंगे। कह रहा है कि कोई बच्चा लिख रहा है कि कैसे? देखो, हम लोग हिंदी से इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो ट्रांसलेशन सीखेंगे साथियों, हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। क्या चीज? हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आ जाएगी भाई, ट्रांसलेशन सीखो, लोग ट्रांसलेशन देख रहे हैं, आर्टिकल के आगे पढ़ाया जाएगा। बट बहुत सारे बच्चे शरारती कर रहे थे, तो कुछ बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ पढ़ के बोरिंग हो जाते, उन्हीं के लिए ये सब बीच बीच में चटनी बोलते हैं इसको, वो लाते लाया जाता है। जैसे आप संगीत सुनते हो ना, तो कभी सैड सॉन्ग होता है, तो कभी होता है, तो कभी कुछ, कभी कुछ। रामायण ही सिर्फ कथा सुनाया जाए तो बच्चों को बोरिंग सा फील हो जाता है ना। सिर्फ रामायण, अगर सिंगर आकर रामायण ही कथा कहने लगे तो दर्शक भाग जाते हैं। वैसे यहाँ पे तो माहौल में हमेशा कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। चलो, ये जो आप करोगे, बुक के हिसाब से चले, बुक के हिसाब से चलेंगे साथियों हम लोग। तो ये कहता है, बच्चा कमेंट कर रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल, बेसिक से बताएंगे। देखो, तो जब कोई वाक्य, जब कोई वाक्य, जब कोई हिंदी वाक्य कर लो, जब कोई हिंदी वाक्य, जब कोई हिंदी वाक्य का अंत, अंत मतलब वो नहीं, मृत्यु वाला अंत नहीं, वो अंत माने का जो सेंटेंस समाप्ति करे, जब हिंदी वाक्य का अंत है, हूं, हो इत्यादि से हो, जब कोई हिंदी वाक्य का अंत है, हूं, हो इत्यादि से हो, और
उसमें कोई एक्शन वाला वर्ड ना हो, एक्शन एक्शन या लिख सकते हो मेन वर्ब ना हो, क्या हो, मेन वर्ब ना हो, तब वैसी कंडीशन में, तब वैसी कंडीशन में वाक्य का अनुवाद, वाक्य का अनुवाद इज एम आर से करते हैं, इज एम आर के फॉर्मेट से करते हैं, के फॉर्मेट से करेंगे। मैंने क्या क्या लिखा, प्यार की से पढ़ो, मैंने बताया कि यूज ऑफ इज एम आर का यूज कैसे करेंगे। तो बच्चे जब भी पढ़ते हैं, देखो बच्चे बहुत बहुत सारे टीचर कहेंगे सर आप तो पढ़ाते हो हाई लेवल का, फिर आप ये बच्चों जैसे हरकतें क्यों कर, लिखवा क्यों रहे हिंदी में। तो देखिए साथियों, मैं बता दूं आपको और इंश्योर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसे भी स्टूडेंट जुड़ते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ये जो पीवीआर स्टडी चैनल है, जहाँ पे बच्चे वही जुड़ते हैं जिनको कुछ नहीं आता, एकदम जीरो है, उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो वो हाउस वाइफ है, या तो वो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुके हैं, या तो वो पढ़ाई कर रहे थे किसी कारणवश छोड़ चुके, वही बच्चे जुड़ते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें रहते हैं। तो हम हमेशा बेस से काम करने की स्टार्टिंग करते हैं, और हम लोग हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं, ना कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर एक अलग क्राइटेरिया था, बट हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। तो ट्रांसलेशन को आपको हिंदी से इंग्लिश में करना है, तो हिंदी वाला चीज़ जो आपको आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई हिंदी वाक्य का अंत है हूँ हो, कमेंट कर रहा कोई, भाई है तो लिखा हूं, तो यहां पे तो है लगा हुआ। अरे भाई यहाँ पे जोड़ ले भाई, ले कन्वाद कर्ता के अनुसार। अरे चल ना भाई, वैसे भी सही है, चलो आज देखो, जब कोई वाक्य के अंत हूँ है हूँ हो इत्यादि रहे, इत्यादि से हो, और उसमें कोई एक्शन यानी कि मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब ना हो, तब वैसी कंडीशन में वाक्य का अनुवाद इज एम आर के फॉर्मेट से करेंगे। इज एम आर कहने का तात्पर्य यह है कि जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग इज एम आर यानी कि जो सब्जेक्ट होगा ना उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों, इज एम आर लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसको एम इज आर भी पढ़ते हैं, बहुत सारे आर इज एम भी पढ़ते हैं, जो मन जैसे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो यार। कमेंट करो, आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। ये बात तो आ गई ना समझ में, देखो है हूँ रहने का मतलब नहीं है, जैसे मैं खाता हूँ वहां भी हूँ है, बट वहां पे एक्शन वाला वर्ड था। अब इसकी एग्जाम्पल देखोगे तभी समझ में, मैं समझ रहा हूँ तुम सब क्या फंस रहा है। देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं खाता हूँ, क्या इसकी एग्जाम्पल है, नहीं, यहाँ पे एक्शन वाला वर्ड है, ये एक्शन वाला वर्ड है यानी कि ये मेन वर्ब का काम करेगा, एज ए मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है, एज ए मेन वर्ब का काम करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक हो गया, दूसरा सेंटेंस ये लिख दूँ, दूसरा सेंटेंस एक और लिख दूँ, मैं लड़का हूँ, मैंने लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, नहीं, यहाँ पे देर इज नो एनी वर्क, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे भाई, कोई हैप्पी कोई हो ही नहीं रहा, सिर्फ यहाँ बता मैं लड़का हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जस्ट लाइक। तो यहाँ पे कोई एक्शन वाला वर्ड नहीं है, सिर्फ हूँ है, एक्चुअली वर्ब है, यहाँ पे कोई मेन वर्ब भी नहीं है, तो ये सेंटेंस जो है आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये नोट करो पहले, फिर समझ में आएगा, नोट करो, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि लिया ऐसे घस कर दिया ऊपर की ओर, लगेगा आप सबकी वजह से लगेगा, सब कुछ हो रहा है। अभी फिलहाल हम लोग ले रहे हैं एक माइक अभी,
लगभग 28 के आसपास आ जाएंगे। 28 मतलब समझ लो क्या है, 1000 में ही समझ लेना। चलो ये चीजें समझो, देखो कोई बच्चे लाइफ से भागना नहीं, एक भी बच्चा लाइफ से अगर भाग गया ना, फिर दूसरे दिन इसके लेवल घटा दूंगा, जो मैं सिखाना चाहता हूँ ना नहीं सिखाऊंगा, कभी नहीं सिखाऊंगा। लेकिन मैं गारंटी के एक देखे कहता हूँ, अगर आप बारीकी से पढ़ोगे, प्यार से पढ़ोगे ना, गारंटी दे के कह रहा हूँ ना, बहुत कुछ सिखा दूंगा, बहुत कुछ, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ होता है साथियों, समझ रहे हो ना। चलो बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हो आप लोग। मैंने क्या बताया कि अनुवाद हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मेट में बनाएंगे, पूरा नहीं मिटाया मैंने यार, आप लोगों की कमेंट के चक्कर में मैं भूल ही जाता हूँ। देखो कैसे इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तब मजा आएगा, तब जा करके क्या आएगा, मजा आएगा, एकदम एनर्जी आएगा। देखो जैसे इसके मैं बनाने की कोशिश करूँ, कैसे बनेंगे, जैसे मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा कैसे होगा, ले लो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, नाउन या एडजेक्टिव होता है, इसी के फॉर्मेट पर हम लोग बनाते हैं, इसी के फॉर्मेट पर बनाते हैं। ये किस किस को पता है, किस किस को नहीं है, जल्दी बताओ, ये वाला बात किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है। हम लोग इसका पहला यूज आज सीखेंगे, पहला यूज सीखेंगे, ठीक है। देखो इसका यूज हम लोग सीखेंगे, यूज नंबर फर्स्ट देखो, किसी पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, एंड समथिंग, ठीक है, समथिंग मतलब कुछ भी, ठीक है। इसका क्या बतलाना चाहिए, किसी पर्सन प्लेस थिंग एंड समथिंग का क्या होना चाहिए, क्वालिटी को बताए, क्या कर साथी हो, क्वालिटी को बताए, क्या बताए, पर्सन प्लेस थिंग एंड समथिंग का क्या कर साथी हो, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्वालिटी को बताए, स्टेट को रिप्रेजेंट करें, ये समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टेट को रिप्रेजेंट करें, कमेंट करो आप लोग, क्वालिटी हो गया, स्टेट को रिप्रेजेंट करें। अरे प्रॉपर्टी भी लिख लो, लो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, कंडीशन भी लिख लो, कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, बहुत खूब बच्चे बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हो। चलो देखो मैं ये बोल रहा हूँ, पहला नंबर यूज समझो, देखो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव, वो इसका पूरा सब्जेक्ट होता है फॉर्मेट। लेकिन अभी हम लोग क्या सीखेंगे यूज नंबर पहले में, कि किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, थिंग मतलब वस्तु, समथिंग मतलब कुछ भी, इन चारों में से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जगह का क्वालिटी, अवस्था, प्रॉपर्टी, कंडीशन को रिप्रेजेंट करे, तो उसका हम अनुवाद यूज ऑफ इज एम आर से बनाते हैं, उसका अनुवाद हम लोग इज एम आर से करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, एम इज आर लगाते हैं। मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से, जब किसी व्यक्ति, जब किसी स्थान, जब किसी वस्तु, जब किसी कोई भी चीज का गुण, अवस्था, प्रॉपर्टी, कंडीशन को व्यक्त करे, तब उसका अनुवाद, तब उसका अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर, एम इज आर से करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाओ, जैसे देखो आम मीठा, मीठा है आम, मीठा है, तो आम क्या है आपका, किसी थिंग वस्तु का या समथिंग का नाम है, किसी चीज का नाम है, आम क्या आपका समथिंग कंडीशन में आता है, उसका क्वालिटी, क्वालिटी क्या है मीठा, क्वालिटी क्या है मीठा, ये क्वालिटी को दर्शा रही है, एडजेक्टिव है। अब जैसे देखो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, देखो मैं क्या है, किसी पर्सन का नाम है, जैसे मेरा नाम शशि है, तो क्या बोलूंगा मैं खुश हूँ, जैसे मैं अपने लिए यूज क्या करूंगा प्रोनाउन आई, तो आई आपका प्रोनाउन, मैं क्या हो गया किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। अब बीमार हूँ, बीमार क्या है मेरा कंडीशन है, कंडीशन को दर्शा रहा है, मैं बीमार हूँ तो कंडीशन को दर्शा रहा है, तो यानी कह मैं ये रहा हूँ कि किसी पर्सन प्लेस थिंग समथिंग को क्वालिटी स्टेट प्रॉपर्टी कंडीशन को रिप्रेजेंट करे, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगा करके अंग्रेजी करते हैं, हम
हम क्या बोला फिर से सुनो, किसी पर्सन प्लेस थिंग समथिंग का गुण स्टेट प्रॉपर्टी को व्यक्त करें। जब किसी व्यक्ति स्थान वस्तु का क्वालिटी स्टेट प्रॉपर्टी कंडीशन को व्यक्त करे कोई वाक्य, तब उसका अंग्रेजी हम लोग बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर को लगाते हैं। ये चीजें समझ में आया ना, आया कि नहीं? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं यार। चलो एग्जांपल दूंगा तो समझोगे, ये तो रहने ही देना। चलो ये समझ गए ना, पर्सन प्लेस थिंग एंड समथिंग। चलो इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल देखो फिर समझ में आ जाएंगे। पर्सन किस किस को नहीं पाता है? पर्सन मैंने पता है कहाँ पढ़ा दिया है हम, हाँ जो बैच थे इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 2 जो देखे होंगे, इंग्लिश फाउंडेशन बैच का जो डेमो 3-4 चाह रहा होगा यूट्यूब पे, तो जो लेक्चर नंबर 2 था वहाँ पर पढ़ाया गया था आपको पर्सन, तो वो वीडियो भी देख लेना, पर्सन समझ में आ जाएगा। क्योंकि पर्सन जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप नहीं बना सकते, ये सेंटेंस नहीं आएगा। जैसे देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लगाता हूँ, आप लोग पहले कमेंट देख लो कुछ बच्चे की, बच्चे कन्फ्यूजन है। जैसे देखो मैं कुछ आपको लिखता हूँ सामने, मैं खुश हूँ, एग्जाम्पल में देखो राम खुश है, चलो राम खुश है ठीक है, श्याम अमीर है। अरे यार इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं यार, चलो श्याम अमीर है ठीक है, 3 शशि शिक्षक है, शशि एडिटर है, नहीं शशि नेक है, चलो अरे लिख लो यार, चलो शशि शिक्षक है वही लिख लो फिलहाल के लिए, मैं मान लेता हूँ मेरा नाम नहीं है। आ जाओ अब देखो, राम किसी व्यक्ति का नाम है, इस व्यक्ति का क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या खुश, खुश यानी कि मैं खुश हूँ, कौन खुश है, मैं, मेरा क्या करता है क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर, खुश क्या हुआ आपका एडजेक्टिव हो गया। तो मैं तो यही तो बता रहा था उस समय से, जब किसी व्यक्ति के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे तब उस कंडीशन में हम लोग उसका अनुवाद यूज ऑफ यानी कि उसका अनुवाद इज एम आर लगा कर करते हैं। मैं तो यही तो बोल रहा हूँ कब से भाई, अभी भी नहीं समझ में। यहाँ पे देखो श्याम अमीर है, अमीर क्या कर रहा है पोजीशन को दर्शा रहा है, उसको पोजीशन बता रहा है। श्याम कैसा है तो अमीर है, उसका पोजीशन जो लेबल है लेबल को दर्शा रहा है, इसकी लेबल क्या है श्याम का अमीर, लेबल को दर्शा रहा है अमीर, भाई इसकी लेबल तो है ना हाई लेवल का है बंदा ये, अमीर इसकी पोजीशन को दर्शा रहा है। अच्छा शशि शिक्षक है, ये मेरे पोस्ट को दर्शा रहा है, पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कह रहा है पोस्ट, मेरी पोस्ट क्या है तो शिक्षक जैसी है। शशि की क्वालिटी क्या है, शशि एक शिक्षक है, शशि क्या है शशि एक शिक्षक है, तो मेरी पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस सब इस तरह के वाक्य का अनुवाद हम लोग एम इज आर से करते हैं। पहली क्लास है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे समझ भी जा चुके होंगे आई नो, बट चलो कोई नहीं सीख जाओगे धीरे धीरे। अरे भाई यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, नहीं आ रहा समझ में, चल राम मंदिर, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, राम खुश है, खुश है तो खुश है, कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है, पहले नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा था, इसका सिंपल सेंटेंस आप एम इज आर में बनाओगे कोई दिक्कत नहीं। नहीं आता तुम्हें तो इंग्लिश मत आए, बट सीख जा रही यार, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा ना भाई, जब कोई काम होगा तो टेंस में होगा, जब काम ही नहीं होगा तो टेंस है ही नहीं, जब टेंस ही नहीं है तो मुझे फिर कोई टेंशन क्यों है, मुझे टेंस रहता तब तो आपको टेंशन देता। ये सेंटेंस सिंपल फॉर्मेट में एम इज आर का यूज करके बनाया जाता है, जब कोई यहाँ पे एक्शन वाला वर्ड ही नहीं है तो मुझे जब एक्शन जो पिटाई खाओगे ही नहीं तो आपको टेंशन क्यों है कि पिटाई खाएंगे, पहले ही डर जाते हो। चलो इसका अनुवाद बनाओ, सबका अंग्रेजी करो, मेरे सामने करो, मैं सब देखना चाहता हूँ किस किस को आता है किस किस को नहीं आता है। चलो सोनाली जी, सोनाली जी कमेंट कर रही है, वो कहाँ चली गई भाई, श्रीवास्तव जी कौन थी ये पता नहीं, आजकल दिखाई भी नहीं दे रही। चलो राम खुश है, चलो राम खुश है, पहला नंबर में क्या सब्जेक्ट है, दूसरा नंबर में ये है, तीसरा नंबर में ये कोई भी हो उसको लगाएंगे, पहला नंबर में सब्जेक्ट फाइंड करो। और मैंने हजार बार बता चुका हूँ सब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका, जो बच्चे हमारे इंग्लिश ग्रामर की सीरीज जो चल रही थी, अंग्रेजी आएगी नहीं बल्कि दौड़ेगी सीरीज थी, वो बच्चों जो देखे होंगे पहली क्लास दूसरी क्लास, उन्हें सब्जेक्ट आसानी से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सब्जेक्ट को बहुत प्यार से बताया था, और ये जो भी बैच अभी चल रहा था जो इंग्लिश एप्लीकेशन पे मेरा जो बैच चलता है अभी, उसका प्राइस 499 है फिलहाल, फिर बढ़ जाएगा, अभी 999 है लेकिन 999 में मिल रही थी,
अभी 50% ऑफ चल रही है, तो ले सकते हैं जाकर 499 में, बाद में पता नहीं इसका रेट बढ़ जाए, तो अभी मिल रही है 50% ऑफ पे। तो वो बच्चे जो ज्वाइन किए होंगे वहाँ पे इंग्लिश वाले बैच में, तो उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, और भी डिटेल से बताया गया है। आ जाओ सब्जेक्ट पहले लगाएंगे। देखो कौन खुश है, मैंने पूछा कौन खुश है, तो राम। कौन खुश है, मैं क्या करूंगा ना, पहले पूछूंगा कौन खुश है, तो राम लगा लो यहाँ पर राम। चलो दूसरा नंबर लगाना क्या है, इज एम आर। बताओ राम क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो यानी कि जब कोई नाउन सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बताओ राम के साथ क्या लगाओगे, तो राम इज हो जाएगा। क्या है, खुश है, तो नाउन नहीं एडजेक्टिव है, राम क्या है, खुश है, तो क्या हो जाएगा, हैप्पी, राम इज हैप्पी। बताओ भाई किसी को परेशानी दिक्कत हो तो बताओ भाई, इतनी आसान अगर नहीं आता होगा ना, फिर मैं भाई स्पोकन जो सीरीज चल रही थी बेकार ही है, जब इतने आसान नहीं बना सकते दिन तो समझ रहे हो ना, फिर काम नहीं चलेंगे फिर ना, जब इतनी आसान चीजें नहीं आएगी फिर आएगी क्या। हाँ चलो दूसरा सेंटेंस आपसे बना, श्याम अमीर है। अरे हिंदी में गलत है भाई, चल ले ले, श्याम धनी है, ले अब तो खुश हो। चलो श्याम धनी है, बनाओ कैसे बनेगा, देखो कौन धनी है, मैंने पूछा कौन धनी है, श्याम लिख लेंगे पहले वर्ड श्याम। श्याम के अनुसार श्याम के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, टीज लगेगा, आर लगेगा, श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, इज का नहीं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो राम श्याम के साथ क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। धनी का स्पेलिंग क्या होता है, रिच, धनी का स्पेलिंग क्या होता है, रिच, तो श्याम इज रिच। ये चीजें जब आने लगेंगे ना आपको, ये चीजें जब आने लगेंगे साथियों गाड़दा उड़ा दोगे, मैं गारंटी देके कहता हूँ, आपको कोई फिर हाथ नहीं पकड़ेंगे, ये मेरा दावा है आपसे, बिल्कुल एकदम धुआं कर दोगे धुआं। श्याम इज रिच। अब आ जाओ यहाँ पे है कि शशि शिक्षक है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, कौन शिक्षक है, शशि, तो यहाँ पे लगाएंगे शशि, ठीक है, शिक्षक है। शशि के साथ क्या लगाओगे, शशि किसी व्यक्ति का नाम है, नाम क्या होता है ज्यादातर सिंगुलर फॉर्मेट में, ऐसा तो है नहीं कि नाम प्लुरल होता है किसी का नाम व्यक्ति का, सिंगुलर ही होता है, तो शशि के साथ क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। शिक्षक है, शिक्षक की स्पेलिंग क्या होता है, टीचर, शशि इज टीचर, इसके साथ ए लगा दोगे, क्योंकि नाउन है, नाउन के साथ आर्टिकल ए का यूज हम लोग कर लेते हैं जब कोई पोस्ट की बात हो, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, शशि इज टीचर, ये चीज आया कि नहीं, आर्टिकल का चैप्टर में बताया था कहाँ आर्टिकल का साथ ए और एन कहाँ यूज करते हो, वहां पर पढ़ना था, ये आया कि नहीं समझ में, पहले बताओ, नहीं आया भाई, मजाक चल रहा है क्या यार, हाँ तो भाई कमेंट कर रहे, नहीं आए भाई, कैसे नहीं आएंगे आपको, चलो चलो अब प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है, आपको जो बुक में एग्जांपल दिया ना वही आपको करवाएंगे, एकदम सोल्व एग्जांपल करना है आपको, बिना बुक में से छापे, तभी कोई ले लेना बुक ये वाला, जो एप्लीकेशन पर उन्हें तो खरीदने की जरूरत नहीं है, जो एप्लीकेशन पर उन्हें नहीं खरीदने की जरूरत है, ये वाला बुक ले लेना सबको, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश, दिख रहा है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये वाला बुक सबको खरीद लेना जाकर के मार्केट से, 30-40 रुपये में मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं दाम में, 30-40 रुपये दाम में खरीद लेना सबको, ठीक है, सभी को खरीद लेना प्यार से, 30-40 रुपये में मिल जाते हैं बुक, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, बातें समझ में आ रही है ना, चलो ये मिटा दूँ, आ जाओ सेकेंड नंबर, अब कुछ और इसके एग्जाम्पल लगाते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर मज़ा आ जाएंगे आपके साथ। देखो क्लासेस 40-45 मिनट की रहेंगी, यानी कि 30-40 मिनट की क्लासेस रहेंगी, ठीक है, डेली 40-45 मिनट ही क्लासेस चलेंगे, क्योंकि उनके बाद भी सर की क्लासेस होती है, फिर सेटअप करना पड़ता है, बहुत सारा कुछ रहता है झंझट, तो और आपकी साइंस के भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो वरी नहीं होना इस चीज़ों को लेकर के, टेंशन नहीं लेना है ये होगा कि वो होगा। चलो
चलो अब एक और नेक्स्ट सेंटेंस लिख दूं, नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं ना? चलो, मैं खुश हूं। आ जाओ, क्वेश्चन मैं देते जा रहा हूं, आपसे बनाते चलना, मैं मुंह से बनाते चलूंगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन, मैं दुखी, मैं खुश हूं। चलो, अच्छी बात है, अच्छी चीजों से शुरुआत करते हैं। पहले मैं खुश हूं, एकदम कमेंट में बनाते चलो आप लोग, मैं इसकी सबकी कमेंट देखूंगा। हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, वह अच्छी है, वह सुंदर है, सीता बीमार है, दिख रहा है ना सबको? चलो, राम दयालु है, वह राम और मोहन अच्छे हैं। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, रैपिड मोड आपका स्टार्ट हो गया, आपका रैपिड मोड स्टार्ट है, जल्दी जल्दी बनाओ आप सब। चलो जल्दी जल्दी, प्यार भरा सबके बनाओ जल्दी से। पहला कह रहा है कि मैं खुश हूँ, दूसरा है हम लोग अमीर हैं, तीसरा है वह अच्छी है, वह सुंदर है, सीता बीमार है, बीमार है, बीमार है भाई, बीमार है लोग, सीता बीमार है, राम दयालु है, राम और मोहन अच्छे हैं। जल्दी से बनाओ फटाफट, सबकी कमेंट की नजरों की तरफ मेरी जा रही है, सबकी कमेंट देख रहा हूँ, फटाफट बनाओ भाई, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, इसको देखने के पीछे कुछ रीजन है, यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? दिख रहे हैं ना, क्वेश्चंस टाइप किए होते हैं, बस इसलिए देखता हूँ। उधर मैं तो खुद से ही बनाते रहता हूँ, और यहाँ पे कमेंट भी आपका चलते रहते हैं, आधा मोड पे कमेंट चलता है, आधा वो रहते हैं। चलो जल्दी करो भाई, टाइम वेस्ट ना किया करो, वी हैव नो नीड टू वेस्ट ए सिंगल मिनट, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। चलो बन गया सब कोई का, बन गया? कमेंट में भी कमेंट कर दो यार, एक का क्या होगा, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा, चार का क्या होगा, पांच का क्या होगा, छह का, जल्दी से कर दो। सभी को कर लिया? रख देता हूँ फोन आपके सामने। चलो पहला सेंटेंस कह रहा मैं खुश हूँ, तो पहले नंबर में हम लोग के क्या फॉर्मेट में सब्जेक्ट खोजना है, पहले कौन खुश हूँ तो मैं, कौन खुश है, मैं आपका सब्जेक्ट है, तो पहले नंबर में क्या लगाना है आपको, आई। आई के साथ क्या लगता है, एक आई ही सब, एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एम लगता है, बाकी के साथ एम नहीं लगता है, तो आई के साथ क्या लगा दोगे, एम, क्योंकि उसके बाद हम लोग एज एम आर के यूज करते हैं ना दूसरे नंबर पे, तब उसके बाद कुछ भी लगाओ जो दिया हो। मैं क्या हूं, तो खुश हूं, तो खुश क्या हो जाएगा, खुश का स्पेलिंग क्या होता है, हैप्पी। सभी को मिलाते चलना, कॉपी में नोट डाउन करते चलना, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला है, बेजो देख लोगे खत्म हो जाएंगी फिर कुछ, समझ रहे हो ना, आने का कोई फायदा वादा नहीं होगा, तो आपको समझना इस बातों को। चलो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग अमीर हैं, क्या है, हम लोग अमीर हैं, क्या हो जाएगा, वी आर, हम लोग, कौन अमीर है, तो हम लोग, हमने जल्दी से बना दिया, आप लोग को बताने के नहीं बता पाया, कौन अमीर है, तो हम लोग, तो क्या लिख दिए, वी क्या है, अमीर है, वी के साथ क्या लगाते हैं, आर, अमीर के स्पेलिंग क्या होता है, रिच, हम लोग क्या है, अमीर है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी दो तीन चार सेंटेंसेस और देख लेते हैं। फिर कह रहा वह अच्छी है, क्या है, वह अच्छी है, तो वह अच्छी किसके बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग की, तो क्या हो जाएगा साथियों, सी, सीख सकता लगता है, इज गुड। चलो फिर कह रहा वह सुंदर है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हो, कंफर्म नहीं है कि स्त्रीलिंग की, स्त्रीलिंग के लिए है कि पुल्लिंग के लिए, तो पहला बना सकते हो साथियों, सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल। दूसरा बना सकते हो साथियों लड़के के लिए, तो क्या हो जाएगा, ही इज ब्यूटीफुल लिख दो, नहीं लड़की के लिए सुंदर के साथ ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम का यूज करते, क्या हो जाएगा साथियों, हैंडसम, ही इज हैंड,
फेर हैंडसम देखती हो ना, लगा के फेर हैंडसम घूमता, वो सुने हो गाना। चलो, सीता बीमार है, सीता बीमार है तो क्या हो जाएगा साथियों, सीता इज इल। चलो, राम दयालु है, क्या हो जाएगा साथियों, राम इज काइंड। राम और मोहन अच्छे हैं, राम और मोहन अच्छे हैं तो क्या हो जाएगा, राम एंड मोहन आर गुड। अब ये कल्ब, अब ये आपको बताना है कि आर क्यों लगाया हूँ। यहाँ पे गुड दिखाई नहीं दे रहा ना, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ गुड, ठीक है। ये आर क्यों लगाना लगाया हूँ अब मैंने इस सेंटेंस में, वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहीं पे क्लास को एंड किया जाए, ये चीज़ें अभी आगे बताऊंगा, इसमें और कुछ बताना है, प्रैक्टिस कल करेंगे ना, इसके बाद टाइम की भी पाबंदी होती है ना। तो क्या, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ, एक और बात, जो बच्चे अभी प्रीमियम क्लास में नहीं जुड़े तो एक बात बता दूँ, देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, ऐड भी आ जाती है, जिसकी माहौल क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है पढ़ने वाले, जो माहौल होते हैं ऐसे पढ़ते तो हैं, जो बच्चे हैं ध्यान लगा पढ़ेंगे तो उनके लिए तो सही है यूट्यूब, बट यूट्यूब पे एक दायरा होता है, कभी कभी हम लोगों को कोई चीज़ ऐसा टेक्निकल इशू आ जाता है, लाइव क्लासेस नहीं चल पाते हैं। बट एप्लीकेशन की बात करूँ साथियों, एप्लीकेशन में हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वीडियो पूरे मिल जाते हैं ए टू जेड एक बार में, ठीक है। आपको इंग्लिश भी नहीं आते होंगे तो जीरो लेवल इंग्लिश, जो इंग्लिश फाउंडेशन बैच वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर मैथ नहीं आती है ना, तो आप राजकुमार सर जो मैथ पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक्स मैथ पढ़ाते हैं, एकदम पूरे एकदम कह रहे हो ना मैथ के दीवाने हो जाओगे, उनकी भी जाके क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक बार में सारा मुझे मिल जाए, मैं दो दिन के चार घंटे पाँच घंटे देख सकूँ। किसी बच्चे को बहुत जल्दी होती है कि मुझे एक ही महीना टाइम है, मैं एक महीने में पूरा कवर करना चाहता हूँ इंग्लिश को, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो टाइम दे सके हमें एक्स्ट्रा। तो भाई यूट्यूब पे क्लासेस जो उसके नियम होते हैं, जो डेली क्लासेस चलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, बट किसी बच्चे को नीड होती है कि सर मुझे एक बार में पूरा कोर्स दे दीजिए, मुझे पास दो ही महीने टाइम है, मेरा कोई एग्जाम है, कुछ है, कुछ भी हो। तो उन बच्चों के लिए वो कोर्स बनाए गए, वो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्हें बिल्कुल बेसिक से सीखना, वो भी जाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छे आपके लिए बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से, भाई आप डिसाइड करो, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 499 रुपया आपको मानो तो कुछ ज़्यादा नहीं है, एक दिन की किसी की कमाई होती है। अगर लगे तो आप मोस्ट वेलकम, अदरवाइज कोई नहीं, मैथ ज्वाइन करना है तो मैथ के लिए जाकर वहाँ देख लेना कितनी प्राइसेस है, अभी कितनी परसेंट ऑफ चल, इसमें रहा मेरा PDF। और हाँ, एक हमारी जो इंग्लिश फाउंडेशन बैच पहली बैच है, जिसकी अभी प्राइसेस 499 ही है, तो प्लीज़ मैं रिकमेंडेड करूँगा आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लो। किसी भी तरह प्रकार के कोई समस्या हो तो आप दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे ना वहाँ से कर लेना बात बात है, ठीक है। आर्यन कुमार, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, बहुत संख्या हम लोग की बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है। तो चलो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। मैं जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है उसके चार ऑप्शन रहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं खुश हूँ, इसके मैं चार ऑप्शन दूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद मैं इसके रैपिड मोड भी लगाऊंगा, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस आधार पर हम इसकी क्या करेंगे अभी आपको बताने के प्रयास करेंगे। सोनाली कुमारी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है, मनोज यादव कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, चलो सभी को अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हो, बट बनाना नहीं है अभी, सुनो जैसे मैंने कहा मैं खुश हूँ, इसके मैं चार ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चार ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उसमें से करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया, ठीक है, एकदम ऑप्शन देखते जाओ, कहीं ना कहीं गलती जरूर होगी, ठीक है। चलो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है जल्दी मुझे बता दो, इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है मुझे जल्दी से बता दो साथियों। लो
बहुत खुश। इन चारों में से जल्दी बताओ, सोनाली कुमारी, ज्योति 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 सिंगरौल, आर्यन कुमार, मनोज जी। बहुत खूब, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ये बहुत अच्छी बातें हैं। आयुष, सुमन, द कॉमेडी किंग, टीम टीम मंदपुर, गुड इवनिंग। बहुत खूब, खुशी सिंह भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। जल्दी से इसकी कमेंट का आंसर दो, इसकी आंसर चाहिए। सौरभ पटेल, आर्यन कुमार, करण कुमार, मनोज जी, फिर से मनोज जी, मनोज यादव का वही है, ज्योति जी, करण, करण, खुशी। देखो इस सीरीज को भी शेयर करो, इसमें से देखो करेक्ट आंसर चूज करना है। स्पोकन के दृष्टि से, स्पोकन के दृष्टि से ये सही है, ये एक गलत है, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। स्पोकन में तीनों सही है, लेकिन रिटेन, हमारी एग्जाम कैसे कैसे ली जाती है, रिटेन फॉर्मेट में ली जाती है। लिखित एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। तो लिखित परीक्षा में ये में से कोई ना कोई एक ही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन मौखिक परीक्षा में ये तीन सही है, 1 2 3, ए बी डी सही है मौखिक में, लेकिन रिटेन में कोई एक ही सही है, बाकी सब गलत है। जल्दी बता दो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से मेरे प्यारे दबंग साथियों। मनोज यादव जी कमेंट कर दिए हैं, हरिकेश कुमार भी कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। आप सब ऐसे ही कमेंट करके मुझे बताते रहो, मुझे पता चले कौन सा बच्चा जुड़ चुका है, कौन सा क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो देखो, मैंने बोला मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। स्ट्रक्चर इसका क्या सिखाया था मैंने, कि सब्जेक्ट होगा साथियों, हाँ, प्लस लो इज एम या आर रहेगा, फिर उसके बाद, ओ डब्ल्यू लिख दो। ओ डब्ल्यू कहने का मतलब नाउन या एडजेक्टिव, ओ डब्ल्यू कहने का मतलब मेरा क्या तात्पर्य है, नाउन या एडजेक्टिव। आर्यन जी कह रहे हैं कि सर ये होगा लवकुश शर्मा जी। सभी का बता, सभी का नाम मैं जरूर लूंगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका मैं नाम नहीं लूँ। कभी कभी देखो कोई कंसेप्ट होते, कोई चीजें होते, उस समय मैं नहीं ले पाता हूँ। पहले नंबर में सब्जेक्ट खोजना है, दूसरे नंबर में इसका यूज करना है, थर्ड नंबर में इसका यूज करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, आई एम हैप्पी, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पे इंट्रोगेशन वर्ड लगा हुआ है। ये जो सेंटेंस है कौन सा फॉर्मेट में है, ये सिंपल फॉर्मेट में है, इसमें कोई इंट्रोगेशन की नीड नहीं है। माई इज टीचिंग मी इंग्लिश, माई इज नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखो मैं खुश हूँ, यहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव लगा हुआ है, बताओ साथियों मुझे। हाँ, इंट्रोगेशन वर्ड कोई लगा, नहीं लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव जब है ही नहीं तो ये वाला तो होगा ही नहीं, पहली बात। आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन करें, आई एम ए हैप्पी, सब्जेक्ट यहाँ पे आई भी है, एम भव भी है, ठीक है, एम भव भी है, बात समझ लो ना। हैप्पी क्या आपका एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। और मैंने आपको नाउन, देखो नाउन आर्टिकल किस किस ने पढ़ा है, मैंने इसीलिए पहले उसको पढ़ाया था, फिर ट्रांसलेशन में लाया। मैं चाहता हूँ तो शुरुआत में ट्रांसलेशन सिखा देता आप सभी को, लेकिन मुझे तो वो चीजें बताना था ना जो चीज आपको नीड थी। बताओ भैया जी, बताओ मनोज जी, बताओ चंदन वर्मा जी, हाँ, आयुषी जी, सोनाली जी, बता दो। एडजेक्टिव के साथ क्या कभी सीखे हो, का आर्टिकल ए एन द आता है, आर्टिकल कभी एडजेक्टिव के साथ आता है। मैंने बताया था आर्टिकल में, चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि भाई मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है। तो मुझे बताओ एडजेक्टिव के साथ क्या आर्टिकल आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब आ जाओ, आई आपने सीखा था क्या यूज ऑफ इजेमर में, कि आई के साथ एक ही कंडीशन होता है जहां पे एम लगता है। तो बताओ यहाँ पे आई के साथ इज लग सकता है, नहीं लग सकता भाई, समझ रहे हो, नहीं लग सकता है, क्योंकि आई के साथ यहाँ पे हम लोग ज्यादातर केस में एम ही लगाते हैं, ठीक है। तो आई के साथ इज नहीं लग सकता, लेकिन लग सकता है कब, हम जब इसकी मतलब ये जो आई यहाँ पे जब प्रोनाउन का काम नहीं करेगा तब। लेकिन ये तो यहाँ पे अभी आई कैसा है, प्रोनाउन की तरह है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इज भी नहीं लगेगा, यानी कि ये भी सेंटेंस गलत हो गया। बताओ साथियों समझ में आ रहा है ना, मनोज जी, सोनाली जी भी कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है तो बताओ। अब बताओ तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, तो डी होगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आई इसका मतलब होता है आई एम, ये जो शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो आई एम हैप्पी, बताओ ये सेंटेंस कौन सा सही हो जाएगा, तो लास्ट वाला सही होगा।
तो इस तरीके से क्या होता है आपके रिटन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज कर देंगे ना आपको। चलो सेकंड क्वेश्चन देता हूँ। मिलवान करने वाला वैसे नहीं बनाऊंगा ना कि ऐसा में कोई बना लेगा, नहीं आपको एरर फाइंड करना है। आपको स्पॉट एरर भी आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे होते हैं कॉमन एरर, स्पॉट एरर, कॉमन एरर्स को ही स्पॉट एरर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो सामने आपके जो सेंटेंस दिए हो फॉर्मेट में उसमें एरर फाइंड करना। इसमें तो सब देखने में सही था, आपको तो आता है, मुझे पता है कि सबको आता है, लेकिन एरर फाइंड करके तो दिखाओ, एरर फाइंड करने आना चाहिए। स्पोकन में तीनों सही था, बट ग्रामर की दुनिया में रिटर्न फॉर्मेट में क्या था, एक ही सही था। समझ गए ना, समझ गए तो बताओ ना, कमेंट करना जरूर, हाँ सर मैं समझ गया। ट्रांसलेशन चाहो तो वैसे बनवाना चाहोगे ना तो फिर सीख नहीं पाओगे एग्जाम में कैसे लिखना है, रट्टा तो मार लोगे, वो चीजें तो काम हो जाएगी, लेकिन फिर जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आज हम नेक्स्ट सेम टेस्ट ले लेते हैं आपके लिए। मैं युवा और स्वस्थ हूं, मैं युवा और स्वस्थ। चलो इसकी मैं ऑप्शंस देता हूं, फटाफट बताना। आई आर यंग एंड हेल्दी। बी नंबर करेगा आई एम यंग एंड हेल्दी। ठीक है, देखते चलना। फिर रहेगा आई एम यंग, ठीक है, आई एम यंग एंड एंड चलो डी नंबर में रहेगा आपका आई एज यंग एंड जल्दी जल्दी से मुझे प्यार साथी बता दो, जल्दी से इसे बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। मैं युवा और स्वस्थ हूँ, जल्दी से आर्यन जी, मनोज जी, सोनाली जी, चंदन वर्मा जी, जल्दी से मुझे बताओ इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। पहले कॉपी में बनाना है, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, फर्स्टली मस्ट हैव टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर। ओके जल्दी से बताओ कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। देखो स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो इनमें दो सेंटेंसेस सही है, बी और सी सही है, बाकी ये और ये गलत है। स्पोकन की दुनिया में दो सही है, बट रिटन फॉर्मेट में जब आपकी लिखित परीक्षा होता है मौखिक में तो सही है। आर्यन जी व्हाट भाई, आर्यन जी आंसर बताओ कौन सा होगा। इमोजी नहीं भेजी थी, इमोजी जब मैं कहता हूँ तब भेजो, बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा जल्दी से। हाँ जल्दी बताओ कमेंट करके भाई, ए और कौन सा डी, ये तो होंगे नहीं। पहली बात ए और डी स्पोकन में भी रिटन में भी गलत है, बाकी दो बचे, दो में से बताओ कौन सा सही है, जल्दी बता दो। मैं बता दूं फिर, मैं बताऊं फिर, क्लासेस 5 बजे से चलती है भाई, आपके डेली लाइव क्लासेस 5 बजे से चलती है, 5 बजे बिल्कुल सारे काम सारी चीजें छोड़ करके आना है आपको, दौड़ करके आना है 5 बजे, तभी जाके सीख पाओगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि उस समय आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। मैंने सिखाया था ना सब्जेक्ट फाइंड करना। चलो इसमें करेक्ट आंसर देखो आपका कौन सा हो जाएगा। पहले तो ये तो आर लगेगा नहीं आई के साथ, ठीक है, किसी भी कंडीशन में आर नहीं आएगा, आ सकता है तो कौन ईज आ सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में, इन एनी कंडीशन नेवर कम्स आर विद आई, आई के साथ कभी भी आर नहीं आ सकता है, बट ए जा सकता है कब, जब ये आई नाउन होता है। ठीक है चलो बात आती है साथियों, ये और ये सेंटेंस तो गलत हो गए, दो सेंटेंस तो मेरे गलत यूं ही पकड़े गए, तो इसमें सर जी ये और ये बच रहा है, इनमें कौन सा सही है, हम कैसा सीख रहे हैं। ये आपका एसर्टिव सेंटेंस यानी कि एसर्टिव फॉर्मेट का सेंटेंस है, तो मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन मार्क्स लगे ये तो इंटरोगेटिव को होते हैं, तो भाई तो यही देख करके मैं इसको क्या करूंगा, ये भी हमारी फॉर्मेट के अनुसार गलत है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। बताओ इस तरीके से ट्रांसलेशन सीखे थे, साथ ही साथ ग्रामर का रूल भी सीख ले रहे हो, साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन भी कर रहे हो, आप सीख भी पा रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो फटाफट इसे नोट करो, जल्दी से उतार लो इसे, ठीक है। कुछ भी चीज में दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोज जी कमेंट नहीं जा रहे, कमेंट के चक्कर में नहीं पड़ो मनोज जी, ठीक है, सीखने के चक्कर में पड़ो। ये हमारा दो क्वेश्चन कराए आपको कैसे भाई, आपके स्पॉट एरर जो होते हैं, जो कॉमन एरर होते हैं, उसके आधार पर मैंने ट्रांसलेशन कराया। अब जो मैं ट्रांसलेशन कराऊंगा वो आपके जैसे बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेशन पूछती है उसके अकॉर्डिंग भी आपको करने आना चाहिए। वो दो क्वेश्चन कैसे थे, कैसे थे आपके, तो स्पॉटिंग एरर और जो आपके कॉमन एरर्स पूछते हैं आपके एग्जाम में वैसे थे। अब जो मैं ट्रांसलेशन कराऊंगा उसको आपको रैपिड मोड, यानी कि जो आपका स्पीड लेवल है वो 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। मैं एकदम लिखूंगा क्वेश्चन, आपको आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, मैं क्वेश्चन लिखूं और आपकी आंसर्स गिरना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कोई मजाक नहीं। देखो मैं दो दो मार्कर एक बार में खोल लिया हूं और फटाफट आप सब मेरे साथ बने रहना। चलो पहला जैसे मैं लिख दिया क्वेश्चन, देखो मैं लिखते चल रहा हूं। वह भूखा है, वह भूखा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर गिरना चाहिए, एकदम मेरी कलम रुकने से पहले आपके आंसर गिर जाना चाहिए। सीता लंबी है, देखो मार्कर ही गिर गया, मार्कर ही नीचे गिर गया। चलो सीता, सीता लंबी है, क्या है साथियों, सीता लंबी है। रैपिड मोड की तरह जल्दी जल्दी इसकी ट्रांसलेशन करो, आपकी एकदम बेसिक से सीख लो, अभी यूज ऑफ इजे में आ रहे हैं, समझ रहे हो ना, फिर इसके बाद बहुत सारे कुछ सिखाऊंगा। चलो राम और, राम और श्याम तेज, तेज है। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करना, जल्दी जल्दी आ जाओ। वह एक अभियंता है, वह एक अभियंता है, अभियंता का मतलब क्या होता है साथियों, इंजीनियर होता है। अभियंता का मतलब क्या होता है साथियों, इंजीनियर होता है। जल्दी से बनाओ रैपिड मोड, एकदम कह रहे ना 2x अपने जो स्पीड है उसके लेवल को बनाओ जल्दी से। अरे 20 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन लिखे आपकी स्क्रीन पर, जल्दी आ जाओ, जल्दी से कमेंट करो साथियों, जल्दी फटाफट। मनोज जी, चंदन वर्मा, सोनाली जी और वर्तिका श्रीवास्तव कहाँ चली गई, आजकल आ ही नहीं रही है भाई, वही तो सबसे पहले क्लास में जरूरी थी, जो हमारी सबसे पहले इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वाला। जल्दी से बनाओ इसकी आंसर क्या होगा। चलो बहुत खूब बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मनोज जी ने कमेंट कर दिया, चंदन जी, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए। चलो बहुत सब अच्छे अच्छे अपने लेवल पर अच्छे अच्छे कमेंट किए। देखो वह भूखा है, तो पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट, क्योंकि एक नंबर में हमारा क्या आता है साथियों, सब्जेक्ट आता है। तो फर्स्टली क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना होता, जो पहला वर्ड होता है ना, देखो जब भी कोई क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस ना हो, साधारण वाक्य हो, यानी कि ना उसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, ना उल्लास जगाया गया होगा, मतलब नॉर्मल सेंटेंसेस होता है, उसका जो पहला वाला जो वर्ड होता है ना वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो जिसमें पहला वर्ड कौन सा, देखो वह, तो वह क्या हो जाएगा साथियों, आपका सब्जेक्ट। बताओ क्या होता है वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही भी होता है, ही भी होता है, डायट भी होता है, कौन सा लगाओगे, तो ही लगाओगे, क्योंकि ही आपके मैस किसके लिए आता है, मैस्कुलिन के लिए। तो यहाँ पर भूखी तो नहीं है, स्त्रीलिंग थोड़ी ना, लड़के की बात हो रहा है, मैस्कुलिन की बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा साथियों, ही लग जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। बताओ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में लगाते क्या हो, जल्दी बताओ, इज लगाते हो ना, तो ही इज हो जाएगा ना। चलो भूखा का स्पेलिंग क्या होता है, हंगर मतलब भूख होता है भाई, हंगर नाउन में हो जाता है, ठीक है, जल्दी बताओ यार, हंगरी होगा यार, हंगर आपका नाउन हो जाता है, ठीक है। चलो सीता लंबी है, सीता लंबी है, बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, तो जो पहला वाला जो वर्ड है वही क्या हो जाएगा साथियों, सब्जेक्ट हो जाएगा। बताओ कौन सा हो जाएगा, तो सीता, सीता क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है, पहली बात की जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर
बबिल लेता। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, माइंड में आना चाहिए। थर्ड पर्सन जो होता है ना, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है वही सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है। कभी एक कंडीशन आता है जो आई वाला एक ही केस में सिंगुलर वर्ब लेता है, वो है वॉच। अदरवाइज कभी भी वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लेता है, यू भी प्लुरल वर्ब लेता है। एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वो कौन सा होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि आई अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, कब, जब वॉज वाला, जब हम लोग पास्ट वाला बातें करते हैं तब, एक ही कंडीशन है। अदरवाइज सिंगुलर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होता है। तो बताओ सीता के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे ना। चलो लंबी का स्पेलिंग क्या होता है, लंबी का स्पेलिंग क्या होता है, जल्दी बताओ, टॉल। तो सीता इज टॉल। चलो अब इसके बाद कर राम और श्याम। अब देखो इसे पेयर ऑफ वर्ड बोलते हैं, कोई बच्चा ये नहीं कहना कि राम एक अलग है श्याम एक अलग है, नहीं, राम और श्याम को पेयर ऑफ वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ वर्ड। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। और एक बात याद रखना, जब दो नाउन एंड से जुड़ जाए तो उसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो प्लुरल हो जाता है। अरे भाई देखना भाई, सीधी संपर्क जैसे समझो, मेरे पास एक कलम था पहले सर, ठीक है, रेड कलम था, अब मैंने एक ब्लू कलम ला दिया, अब दोनों को क्या करूंगा, एक जगह रख दूंगा, एक में थोड़ी ना काउंट होगा, एक डिब्बा में काउंट होगा, बट वास्तव में कितने रहते, दो हो गए। और हम लोग सीखे क्या है, प्लुरल किसे बोलते हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा हो जाएगा तो प्लुरल हो जाएगा। बताओ राम एक यहाँ पर था, श्याम एक अलग अलग है भाई, तो दो हो गए ना, तो यहाँ पे क्या लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा ना, सीधी से बात है, क्या लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा ना। हाँ, तो राम एंड श्याम आर क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। बताओ समझ में आ गया ना, ऐसा फटाफट बनाना, कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। अब देखो किसी के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, सर आपने सिखाया है कि सब्जेक्ट पहले वाला ही वर्ड होता है। अरे भाई राम और श्याम पेयर ऑफ वर्ड है, एक ही वर्ड में काउंट होते हैं, एक ही वर्ड में काउंट होते हैं, नहीं तो राम के लिए अलग वर्ब आता, श्याम के लिए अलग वर्ब आता, आता है ना, अगर आपकी जो माइंड काम कर रही है जिस लेवल पे। लेकिन इसे पेयर ऑफ वर्ड बोलते हैं, जैसे मतलब आपकी लेवल बढ़ते जाएगी समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक अभियंता है, क्या है, वह एक अभियंता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, हाँ ही इज, बताओ इसके बाद क्या लगाओगे, एन लगा लोगे, इंजीनियर कर लोगे, फटाफट नोट करो, इसे रैपिड मोड बना करके रखो, एकदम रैपिड मोड बना रहना चाहिए, एकदम धकाक देना, क्वेश्चन माइंड में आए धकाक देना आंसर निकलना चाहिए। अब देखो रैपिड मोड कैसे निकलेगा, ऐसे तो बनाएंगे नहीं भाई, कहीं पे जाओगे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आप ये स्ट्रक्चर खोजोगे, क्या उस टाइम स्ट्रक्चर खोजोगे भाई, बताओ तुम जरा गौर से, क्या स्ट्रक्चर खोजोगे उस टाइम, नहीं, आपको एकदम दो गुना माइंड फास्ट काम करना चाहिए। तो करेगा कैसे काम, ये भी तो पता होना चाहिए ना कैसे काम करेगा, वही बताता हूँ, पहले से नोट करो, जल्दी से कॉपी में जल्दी से इसे उतार लो। देखो कभी कभी मैं स्पीड में बोलता हूँ ना, तो कोई ऐसा वर्ड होता है जो बिहारी वर्ड होता है तो मैं उसे बोलने में मतलब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कोई कोई वर्ड मैं चुप हो जाता हूँ बोलने से पहले, तो ये नहीं सोचना कि मुझे बोलने नहीं आता, कुछ ऐसा वर्ड होता है मतलब आपको वो अटपटांग लगेंगे, ठीक है, इसलिए मैं वो बातों को साइलेंट कर देता हूँ उस वक्त, ठीक है। चलो ये नोट कर लिए ना, अब देखो कैसे आप अपने आप को रैपिड फॉर्मेट में बदलोगे, ठीक है। चलो मेरे साथ काम करना, सिर्फ अफर्मेटिव बनाने से नहीं होगा, एक बार में आपके पास 5-6 चीज़ें कवर होना चाहिए, मतलब धकाक धकाक दिमाग काम करना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ये तो आपको बेसिक लेवल में बता दें। अब देखो कैसे बनाओगे, जैसे मैंने लिखा मैं भूखा हूँ, जैसे मैं खुश हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने लिखा मैं खुश हूँ, तब ऐसा थोड़ी ना हम बनाएंगे कि इसमें कौन खुश है तो आई खोजेंगे चाहे वो खोजेंगे, नहीं, जैसे मैंने बोला मैं खुश हूँ तो क्या बोलूँगा, आई एम हैप्पी, ऐसे बोल सकते आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ओके, चाहे आई एम हैप्पी नहीं आ रहा तो सीधा बोलो ना आई एम हैप्पी। अब देखो इसमें आप सोचोगे कैसे मैं एक से ज़्यादा सेंटेंस बनाऊँ, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग लगाना, थोड़ा बहुत भी अक्ल होगी तुम्हारी, आई की जगह पे लगा दो वाह वाह राम तुम, फिर लगा दो यहाँ पे मोहन, ठीक है, हम लोग तुम लोग, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को जो आपको प्रणाम होते हैं ना वो कर लो पहली बात,
अभी देखो ना कितने बनते जा चले जाएंगे, जैसे मेरे पिताजी, ठीक है इधर से लिख लो, मेरे पिताजी, ठीक है, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिता जी, ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते हो एक वर्ड का यूज करके, सिर्फ और सिर्फ क्या, खुश। अब देखो खुश जैसे कितना एडजेक्टिव है, उसके साथ कितना बना सकते हो बताओ। कोई रोक सकता है आपको सेंटेंस बनाने से? कोई रोक सकता है आपको बोलने से? कोई रोक सकता है आपको? बशर्ते आपको फॉर्मेट पे काम करने आना चाहिए, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कैसे हम काम करेंगे, किस लेवल पे काम करेंगे कि हमें वो चीजें आसान हो जाएगा। जैसे देखो मैं इसके बनाने के प्रयास करता हूँ, जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, वह खुश है, हिज हैप्पी, ही इज हैप्पी, देखो ही इज हैप्पी या हिज हैप्पी, ठीक है, ही का अपोस्ट्रॉफी इस लग जाता है, ठीक है। तो ही वह खुश है, ही हैप्पी, वह खुश है, सी हैप्पी, राम खुश है, राम हैप्पी, तुम खुश हो, यू हैप्पी, तुम लोग खुश हो, यू हैप्पी, तुम सब खुश हो, यू हैप्पी, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यू हैप्पी भी बोलोगे तो कोई गलत नहीं होगा, स्पोकन में यू हैप्पी भी चलता है, कहते ना आई एम हैप्पी, आई हैप्पी, राम हैप्पी, तो राम इज लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ कोई गलत नहीं, लेकिन ग्रामर के दृष्टि नजर से वो गलत हो जाता है। क्या होता है? ग्रामर के दृष्टि नजर से गलत हो जाता है, लेकिन चाहो तो नहीं भी लगाओगे तो कोई गलत गलत नहीं काट सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू रा, ठीक है। जैसे मोहन खुश है तो मोहन इज हैप्पी, हाँ मोहन इज हैप्पी, हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी, हम सब खुश हैं, वी आर हैप्पी, तुम लोग खुश हो, यू आर हैप्पी, मेरे पिताजी खुश हैं, माई फादर इज हैप्पी, तुम्हारे पिताजी खुश हैं, योर फादर इज हैप्पी, उन लोगों के पिता, हाँ तो देयर फादर्स हैप्पी, ठीक है, हमारा पिता, आवर फादर्स हैप्पी, इज लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब एक चीज और रखना माइंड में, एक चीज और दिमाग में काम करना चाहिए, एक बात याद रखना, जब कभी भी पोसेसिव प्रोनाउन, मैंने क्या बोला, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव का मतलब होता है राइट, राइट यानी कि अधिकार, अधिकार वाला वर्ड, पोसेसिव वर्ड जैसे आपका होता है माई, आवर, हिज, डॉट डॉट होता है, उसके साथ हमेशा जब भी आएगा तो नाउन आएगा, और जब भी इसके साथ वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ये दिमाग में हमेशा बैठा कर रखो, ये रूल हमेशा काम करेगा। जब भी पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं उसके साथ जब भी कोई वर्ड आएगा वो है सिर्फ और सिर्फ नाउन, इसके अलावा कोई और बता दो मुझे। माई के साथ क्या कभी सुने हो गए? माई हैप्पी, हाँ तभी सुने हो गए, माई हैप्पीनेस आएगा, हैप्पीनेस नाउन है भाई, अब स्टेट नाउन में जाते हैं, कभी नहीं सुनोगे माई हैप्पी, माई सैड, माई सैडनेस आएगा क्योंकि नाउन है, लेकिन जब भी पोसेसिव प्रोनाउन के साथ कोई वर्ड आता है वो है सिर्फ और सिर्फ नाउन, और उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर लगाएंगे। इसीलिए हम कभी बात कर रहे थे, देखो हम लोग क्या है प्लूरल वर्ब इसके साथ लगाते हैं, लेकिन हम लोगों के पिताजी खुश है तो आवर फादर इज, यहाँ पे आर नहीं लगा, जबकि हम लोगों का था मोर देन वन, लेकिन रूल ये कहता है कि जब भी पोसेसिव प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे नाउन के साथ तब वो कंडीशन में क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्मेट में ही यूज किया जाता है। क्या होता है साथियों? सिंगुलर फॉर्मेट में ही यूज किया जाता है। और देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत भी सीखो ना तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, यू मस्ट हैव टू शेयर इट, समझ रहे हो ना, आपको तो शेयर करना ही चाहिए भाई, आपकी ड्यूटी है शेयर करना, ठीक है, क्योंकि नहीं करोगे तो वो अगला बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें समझो और फॉर्मेट पर देखो काम कैसे करोगे, या फॉर्मेट पर काम करेंगे, देखो साथ साथ ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, साथ ही साथ एक आपको वे दे रहा हूँ कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। देखो ऐसा साइलेंट रहने से काम नहीं चलेंगे। जब मैं पढ़ता था, मैं बात करूँ 2017-18 की, जब मैं JNU का तैयारी करता था तो हम लोग ऐसे नहीं थे, हम लोग साथ ही पोडियम था हमारे साथ। देखो अभी तो आप मेरे साथ ऑफलाइन हो नहीं, मैं 17-18 की बात बता रहा हूँ, जब मैं 17 की बात करूँ हम जहाँ पढ़ते थे तो हम लोग JNU की तैयारी करते थे उस टाइम, लेकिन कन्हैया कुमार ने जोड़ ने करवावे, समझ रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, वो हमारी बातें थी। तो एक सामने भी बंदा रहता था, हम लोग रहते थे तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, क्या करते थे ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमसे क्वेश्चन करता था, हम उससे क्वेश्चन इंग्लिश फॉर्मेट में, फिर हम लोग डिबेट करते थे किसी टॉपिक पे, फिर हम लोग ग्रुप डिस्कशन होता था, इस साइड लड़के बढ़ जाता था इस साइड। तो वो ऑफलाइन में हो सकता है, ऑनलाइन में कैसे होगा? अब देखो ऑनलाइन में हो सकता है कैसे, जूम से। देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अब देखो मैं कह दूँ सब बच्चे आ जाओ जूम पे, तो ऐसे ही बच्चे जो जुड़ जाएंगे, ऐसे भी टीचर भी जुड़ जाते हैं बहुत सारे, जिन्हें जरूरत नहीं होता वो आते हैं लेवल चेक करने कि बच्चा को कितना आता है। देखो भाई लेवल किसी को चेक नहीं किया जाता, आपको देख करके पता नहीं कर सकते हो,
जो आप खेल खेलते हो ना, वो बच्चा कहीं ना कहीं खेल करके मतलब छोड़ चुका होता है, ठीक है, तो वो अलग बात है। तो आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए, ठीक है। और किसी को आप कभी भी जज नहीं कीजिएगा, ठीक है, ऐसे भी देख करके किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं है। मतलब आपको बता रहे हैं कि कोई भी अगर बच्चा पढ़ा रहा होगा, मतलब आप भी आ सकते हैं मन में कि ये लड़का तो है यार, क्या पढ़ाएगा, तो ये जज नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को। और ये फॉर्मेट याद रखना, तब आप क्या कर सकते हो, आसानी से कोई भी एक वर्ड जोड़ करके मतलब 50 से 60 सेंटेंसेस बना सकते हो। अभी और भी है इसमें, जैसे कि आप नेगेटिव कर सकते हो, इंटरोगेटिव कर सकते हो, WH वाला लगा सकते हो। WH में एक होता है इंपरेटिव फॉर्मेट में, समझ रहे हो ना, वो सारी चीजें मैं रूल सिखाऊंगा, बट अभी ये चीज धीरे धीरे करो और धीरे धीरे प्रोसेस के बढ़ाओ आगे, ठीक है, समझ रहे हो ना मनोज जी। श्रीवास्तव जी तो आ नहीं रही है, वर्तिका श्रीवास्तव उनका नाम याद मुझे हो गया है। सोनाली कुमारी जी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो बताओ जल्दी जल्दी। हाँ आ रहा है मुझे, चलो कुछ और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करना, ठीक है, आप लोग कमेंट करना, फिर मैं उसकी अंग्रेजी बनाते चलूंगा, ठीक है। ये सब मैं स्ट्रक्चर भी हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कब तक स्ट्रक्चर ढोते चलोगे भाई। स्ट्रक्चर मान लो कभी कोई कहीं क्वेश्चन आ गया तो स्ट्रक्चर कब तक ढोते रहोगे। यहाँ तक देखो साथियों, पिक्टोरियल भी लिखा जाता है, मुझे याद आ गया, पिक्टोरियल ये होता है ना, कोई टॉपिक जैसे मैं खा रहा हूँ तो मेरे बारे में बिना कुछ सर्च किए पिक्टोरियल लिखा जाता है, यानी कि मेरे बारे में डिटेल्स लिखना। तो वो भी सारे चीजें होते थे जो कि ऑफलाइन में हो पाएंगे, ऑनलाइन में पॉसिबल ही नहीं हो पाता ना साथियों। ये ऑनलाइन में क्या क्या चेक करेंगे भाई, यहाँ पे बहुत सारे इतने मेंबर जुड़े हुए हैं तो उनको पॉसिबल नहीं होता है ना उतने बच्चे को कर पाना। आज जैसे मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट सेंटेंसेस, रैपिड मोड में रहना, एकदम रैपिड मोड में इसका आंसर आना चाहिए। चलो मैं एक विद्यार्थी हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन, मैं एक विद्यार्थी हूँ। चलो 6 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, तुम एक नौकर हो, तुम एक नौकर हो। चलो 7 नंबर में आ जाओ, हम लोग किसान हैं, आठ नंबर में आ जाओ, जल्दी जल्दी इसके आंसर लिखो साथियों, हम लोग पागल हैं। भाई पागल कौन हो गया भाई, चलो सेंटेंस है तो कोई नहीं, हम लोग पागल है। 9वीं नंबर में आ जाओ, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी इसके आंसर बताओ। राम और श्याम तैयार नहीं है, राम और श्याम तैयार है। 10 नंबर में आ जाओ, वे लोग बूढ़े, 10 नंबर छोड़ो, बूढ़े नहीं लिखो, तुम चालाक हो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो, जल्दी से फटाफट मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। बहुत खूब, आप लोग सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो इसका जल्दी से आंसर कमेंट करो। पहला क्वेश्चन था मैं एक विद्यार्थी हूँ, दूसरा क्वेश्चन है आपका तुम एक नौकर हो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है हम लोग किसान हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन है हम लोग पागल हैं, 9वीं नंबर में है राम और श्याम तैयार है, 10वीं नंबर में क्वेश्चन है तुम चालाक हो। जल्दी से बताओ प्यारे साथी उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से एकदम फटाफट बताओ। चलो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, पहला वाली सब्जेक्ट होता है माइंड में फिट कर लेना, ठीक है, माइंड में फिट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। विद्यार्थी हूँ, एक दिया हुआ तो ए लगा दो, नहीं भी दिया हो तो तब भी लगता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, ठीक है। आई एम ए दिखाई दे रहा है ना, चलो वहां नहीं दिखाई दे रहा तो नीचे बनाते चल रहा हूँ। चलो 5 नंबर का यहाँ पे आंसर है, क्या हो जाएगा, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। चलो 6 नंबर देख लो क्या है, 6 नंबर में कह रहा है तुम एक नौकर हो, क्या हो जाएगा, यू आर ए सर्वेंट। चलो 7वें नंबर कह रहे हम लोग किसान हैं, क्या है, हम लोग किसान हैं, तो वी आर फार्मर,
बताओ यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे कि नहीं, यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे कि नहीं? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है प्लूरल फॉर्मेट में है, और हमने सीखा है आर्टिकल वाला चैप्टर में कि जब कोई नाउन प्लूरल हो तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं। चलो आठवें नंबर में आते हैं। आठवें नंबर में क्या कहता है, हम लोग पागल हैं, तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है, वी, वी के साथ क्या लगाते हैं, आर, पागल का स्पेलिंग मैड, वी आर मैड। चलो नाइन नंबर में क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम तैयार हैं, राम और श्याम तैयार, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। अब बताओ इसके साथ क्या लगाओगे, इसके साथ एक्जिलरी वर्ब क्या आएगा, तो आर आएगा, क्या आएगा साथियों, आर रेडी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, दस नंबर, तुम चालाक हो, तुम का स्पेलिंग क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगाते हो, आर, बताओ। बताओ समझ में आ रहा है ना, ये हो गया आपके सोल्यूशन। बताओ अगर समझ में आ गया होगा ना थोड़ा बहुत भी, तो दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ पूरे अच्छा लगता होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ ये बदलाव लाता होगा, तो अगले अपने दोस्त अपने फ्रेंड को बताओ, ताकि उनके भी जीवन में कुछ अच्छा हो सके, उनकी भी कुछ उधार हो सके, समझ रहे हो ना, उधार की मतलब उनके जीवन में कुछ चार चंद आ सके। और एक और बात, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आप शाम 7 बजे, नाइन्थ क्लास में हो तो शाम 7 बजे से जुड़ो, अगर बेसिक मैथ आपकी वीक है तो रात 9 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सर 2 महीने में 1 महीने में कोर्सेज कंप्लीट करने, तो आप उसकी जीरो लेवल जो मैथ होती है वो साथियों एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, वहाँ पे कुछ पैसे लगते हैं, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश एकदम बिल्कुल जीरो से सीखना नहीं आता है, मुझे यहाँ तक कि सब्जेक्ट में भी हमको नहीं आता, बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है कैसे उसके 12 से 12 सेंटेंस बनाते हैं, कैसे सेंटेंस को एलिबोरेट करते हैं, वो भी नहीं आता आपको, तो आप बेशक जा करके जीरो लेवल जो इंग्लिश बैच है, यानी इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, तो वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू।